हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स कई सारे हैं और ये इंडस्ट्री भी दुनिया भर में बहुत पॉपुलर है। वहीं उसके मुकाबले भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन यहाँ के तमाम सितारों की फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। भोजपुरी सिनेमा के दो सबसे बड़े सितारे हैं पवन सिंह और खेसारी लाल यादव। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की अपनी अपनी फैन फॉलोइंग है, लेकिन फिर भी दोनों के बीच एक कॉम्पिटिशन चलता रहता है कि कौन बेहतर है, किसके सोशल मीडिया पर ज्यादा फॉलोअर्स हैं और किसकी कमाई ज्यादा है। खेसारी लाल यादव की कमाई और नेटवर्थ कितनी है और उनके मुकाबले पवन सिंह कितना आते हैं, उनकी कुल संपत्ति कितनी है, तो इसका आकलन करते हैं, जानते हैं कि इस टक्कर के मुकाबले में कौन जीतता है। सबसे पहले जानते हैं कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में सोशल मीडिया पर किसकी पकड़ मजबूत है और कौन वहां का किंग है। पवन सिंह के इंस्टाग्राम पेज की बात करें तो उस पर उनके करीब 4.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं और अब तक उन्होंने करीब 2700 पोस्ट किए हैं। पवन सिंह इंस्टाग्राम स्टोरीज भी डालते रहते हैं। चलते हैं खेसारी लाल यादव के इंस्टाग्राम पेज की तरफ। खेसारी लाल यादव पवन सिंह से फॉलोअर्स में थोड़ा ही आ गए हैं। आपको बता दें कि इस भोजपुरी सुपरस्टार के इंस्टाग्राम पर करीब 5.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो कम एक्टिव हैं। उनके पोस्ट की संख्या करीब 1500 है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री के हाईएस्ट पेड कलाकारों में से एक हैं। मेरे रिपोर्ट का ये कहना है कि खेसारी लाल यादव अपनी हर फिल्म के लिए करीब 50 से 60 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं और एक म्यूजिक वीडियो के लिए उनकी फीस 3 से 4 लाख रुपए। नेटवर्थ की बात करें तो कहा जाता है कि खेसारी लाल की कुल संपत्ति करीब 12 से 15 करोड़ रुपए के आसपास है। वहीं खेसारी लाल यादव का पटना में एक आलिशान बंगला है, मुंबई में भी उनके पास एक फ्लैट है जो काफी महंगा है। इतना ही नहीं, खेसारी लाल के पास कई सारी महंगी गाड़ियां भी हैं जिनमें BMW, लैंड रोवर और फॉर्च्यूनर जैसे नाम शामिल हैं। वहीं पवन सिंह की बात करें तो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से ये भोजपुरी स्टार हर फिल्म के लिए 40 से 50 लाख रुपए चार्ज करता है, जो खेसारी लाल यादव की फीस से थोड़ी कम है। हर गाने के लिए पवन सिंह 3 से 5 लाख रुपए लेते हैं, यहाँ वो खेसारी लाल से आगे हैं। नेटवर्थ की बात करें तो खेसारी लाल को पवन सिंह ने बहुत पीछे छोड़ दिया है। पवन सिंह की नेटवर्थ करीब 30 से 32 करोड़ रुपए है। पवन सिंह के पास भी बिहार और मुंबई दोनों जगह अपना घर है और मर्सिडीज और फॉर्च्यूनर जैसी लग्जरी गाड़ियां भी हैं। फिलहाल इन दोनों के फैंस आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं कि कौन सा भोजपुरी स्टार आगे है, लेकिन देखा जाए तो दोनों ही एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं।